लेबर की प्रोसेस ऑन सेट कैसे होती है? ऑन सेट मीन्स स्टार्टिंग, कैसे स्टार्ट होता है कि ट्रम्प पे आते ही ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ ट्रम्प पे आते ही कि फीटस की डिलीवरी हो गई? देखिए यहां पे डिलीवरी का वर्ड का मतलब क्या है, डिलीवरी वर्ड का मतलब समझो एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्रस, फीटस और अदर कंसेप्शन प्रोडक्ट यूट्रस। लेकिन ये जरूरी नहीं है लेबर हो, लेबर इज ए वेजाइनल डिलीवरी है ना, वेजाइनल नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, लेकिन डिलीवरी में भी सीजेरियन सेक्शन और वेजाइनल, तो यहां पे तो लेबर प्रोसेस भी हो सकती है, लेबर के थ्रू भी हो सकती है डिलीवरी और विदाउट लेबर भी हो सकती है, सीजेरियन सेक्शन है ना, सीजेरियन सेक्शन मतलब थ्रू ऑपरेशन कैसे होता है, एब्डोमेन को कट करके फिर फीटस को बाहर निकालते उसको बोलते हैं सीजेरियन सेक्शन, उसके थ्रू भी हो सकता है। तो डिलीवरी तो दोनों को ही डिलीवरी बोलोगे, लेकिन वेजाइनली नॉर्मली अगर फीटस एक्सपेल आउट होता है विदाउट एनी ड्रग्स विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स तो उसको आप बोलोगे लेबर। क्लियर है? तो ये था डिलीवरी के बारे में। अब आ जाओ कि कैसे होता है प्रोसेस, ऑन सेट कैसे हुआ, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं। देखिए तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो यहां पे काम करने वाले हैं इस चीज को, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ये स्ट्रक्चर सारे ट्रम्प पे काम करेंगे। ट्रम्प पे इनके अंदर क्या होता है, ट्रम्प मतलब 37 से 42 वीक। कौन कौन से स्ट्रक्चर, फीटस, दूसरा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, तीसरा यूट्रस। मैटरनल यूट्रस, देखिए समझना पड़ेगा कि ऑन सेट ऑफ लेबर कैसे होता है, ये लेबर प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। देखिए फिटस जैसे ही ट्रम कंडीशन आती है, जैसे ही ट्रम कंडीशन आती है, फीटस की हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, CRH, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या निकालना स्टार्ट कर देती है, कहां से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से। पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फीटस की जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगी, CRH मतलब कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और ये जाके CRH ये कहां पे काम करता है, ये काम करता है हाइपोथैलेमस पे, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। ये कहां काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। जैसे ही CRF आएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर कौन से हार्मोन निकालेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। ये जब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकालना स्टार्ट करेगी, ACTH की बात करें, देखिए ACTH निकलेगा, ACTH क्या करेगा, ACTH जाता है, ACTH कहाँ होता है पहली बात ये बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है ACTH, ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट से रिलीज होगा। और ये जो हार्मोन्स हैं जो इस पार्ट से रिलीज होंगे, ये हार्मोन क्या करेंगे, ये प्लेसेंटा को स्टूमुलेट कर देंगे, ये प्लेसेंटा को स्टूमुलेट कर देंगे, किस चीज के लिए, एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इन्होंने काम किया प्लेसेंटा पे गए, कौन से हार्मोन, ACTH,
और क्या करा, एस्ट्रोजन का सिग्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है। साथ में दूसरा क्या काम किया, ये लीवर पे के पास गया, ये हार्मोन ACTH लीवर के पास गया, लीवर, और यहां से एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज की ब्लड में, ठीक है, एक प्रोटीन रिलीज की ब्लड में, क्या नाम है प्रोटीन का, प्रोटीन का नाम है डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, ये नाम है, ये प्रोटीन रिलीज की, और इस प्रोटीन ने क्या किया, इस प्रोटीन दोबारा, ये प्रोटीन यहां पे आई, ठीक है, डाइहाइड्रो प्रोटीन, ये प्रोटीन ब्लड से आई और इसने दोबारा प्लेसेंटा पे जाके प्रोजेस्ट्रोन के फॉर्मेशन को कम कर दिया और एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है। साथ में क्या किया, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजी का भी लेवल इन्होंने बढ़वा दिया। किसके थ्रू हो रहा है सारा काम, ये शुरू हो रहा है फीटस के द्वारा, ठीक है, फीटस ने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ऊपर से मैटरनल पे जैसे ही इफेक्ट लगता है, मैटरनल जैसे ही फीटस का साइज ज्यादा बढ़ेगा, ये फीटस क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा और जो मसल्स हैं, मैटरनल जो मसल्स हैं, जो यूट्राइन मसल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, और स्ट्रेच होके वो क्या करने लग जा रही, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करवाने के लिए, मतलब कि ब्रेन में जाएगी ऑक्सीटॉक्सिन एंड एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज स्टार्ट कर देंगी। यहां से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हुआ, वो वापस एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, वापस ये एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में बढ़ा देगा। और एस्ट्रोजन का काम क्या है, देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक बार, पहले आप एक बार इसको पूरा मैप बनाओ फिर बात करते हैं। देखिए एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ, प्रोजेस्ट्रोन कम हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुए, ठीक है, इन सब ने क्या किया, इन सब ने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर दिया और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के कारण डिलीवरी हो गई, ठीक है। ये होता है डिलीवरी का, कैसे लेबर प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो दोबारा एक बार पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। देखिए कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा फीटस से, जैसे ही ट्रम डिलीवरी होती है, ट्रम के आसपास फीटस क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, सीआरएच क्या रिलीज कर देता है ब्लड में, सीआरएच किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है, और सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहां काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या सिक्रीट कराना स्टार्ट कर देता है, ACTH, क्या सिक्रीट कराना स्टार्ट कर देता है, ACTH जैसे ही सिक्रीट होगा, ACTH स्टूमुलेट कर देगा प्लेसेंटा को कि वो एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट करे, और ये दोबारा एक प्रोटीन बनाती है, आपको नाम याद ना हो तो भी प्रोटीन याद रखो कि प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन क्या करेगी, ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करने में हेल्प करेगी। देखो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कैसे, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखता है। अब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कौन रोक रहा है, प्रोजेस्टेरोन, हमने प्रोजेस्टेरोन को क्या कर दिया कम, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। अपोजिट एस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाता है, इसका एक काम ये भी है, तो ये एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ने के कारण यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। साथ में ऑक्सीटॉक्सिन भी रिलीज हो रहा है मैटरनल ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीटॉक्सिन जब रिलीज होगा तो ऑक्सीटॉक्सिन का अल्टीमेट फंक्शन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का है, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन, एक नया नाम आपके सामने आया, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रोटीन्स है जो ब्लड में रिलीज होते हैं, और ये लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन जब ब्लड में रिलीज होती है तो ये भी क्या करती है, ये मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प कराती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगी, और ये अगर यूट्रस के ऊपर आएगी तो यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अल्टीमेट सारे के कारण, सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर क्या करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के कारण क्या हो जाएगी, डिलीवरी
या नॉर्मल लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से पूरा ऑन सेट ऑफ लेबर स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए,